हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड द सिंटोट्स ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस कर्व के इक्वेशन को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म का मतलब हम इसको इस कर्व के इक्वेशन को 1/r इक्वल टू f थीटा के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, फिर वहां से क्या करेंगे, f थीटा को 0 के बराबर रखेंगे, वहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू जो भी आएगा उसको क्या बोल देंगे, कुछ अल्फा के बराबर। फिर क्या करेंगे हम, f डैश थीटा निकालेंगे, फिर f डैश थीटा को f डैश अल्फा से प्लेस करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 अपॉन f डैश अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या r sin थीटा माइनस अल्फा को 1 अपॉन f डैश अल्फा के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, जो चीज मिलेगा वही क्या होगा, f थीटा मतलब क्या 1/r का एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये पोलर कर्व है तो पहले क्या करते हैं उसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। दिया क्या है, r इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा। तो पहले क्या करो, इसको 1/r के अंदर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1/r तो कितना होगा, 1 माइनस 2 cos थीटा बाय 2a, 2a है, थीटा नहीं है, और ये किसके बराबर है, f थीटा के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, f थीटा को 0 के बराबर रखते हैं, तो लिख लेना आप पोटे एफ थीटा इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2a को 0 के बराबर रखो, तो a क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और 2b कांस्टेंट नंबर है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या मिला हमारे पास, cos थीटा 1/2 के बराबर, cos थीटा 1/2, तो थीटा कितना होता है 2nπ प्लस माइनस पाई बाई 3 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, n का वैल्यू होगा 0 रख लें, n का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, सिंपली कितना मिला हमको, थीटा का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 3 मिला है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, कॉस पाई बाई 3 निकालते हो, तो कितना मिलता है आपको, 1/2 मिलता है, और अगर आप क्या करते हो, कॉस माइनस का पाई बाई 3 निकालते हो, तो वहाँ पर भी आपको 1/2 ही मिलेगा। आपको रूल तो मालूम होगा कि अगर कॉस थीटा है तो वो तो कॉस थीटा के ही बराबर है, लेकिन अगर पे कहीं पे कॉस का माइनस थीटा है तो वो भी कॉस थीटा के ही बराबर है। कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो भी क्या होगा, खत्म होकर 1/2 ही रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो कॉस क्या होगा, दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों पाई बाई 3 पे 1/2 ही देने वाला है। 2nπ की वेट किया, क्योंकि कॉस का पीरियड क्या कितना होता है, 2nπ के बराबर होता है, आपको भी मालूम है ना, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे ही हर 2nπ पीरियड के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए क्या कर दिया, 2nπ उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इसको डाल दें, चल ये जो थीटा का वैल्यू जो निकला है इसी को क्या बोल दो, अल्फा का वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को अल्फा का वैल्यू बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, f डैश थीटा निकालते हैं, f डैश थीटा मतलब कि ये जो f थीटा है इसी को डिफरेंशिएट कर दो, 1/2a कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, तो 1/2a बाहर हो गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का बचेगा, 2 तो कांस्टेंट नंबर है, कॉस का माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, तो 2 से 2 क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, तो कितना मिला, साइन थीटा बाई ए मिला। अब क्या करो, एफ डैश अल्फा निकालो, एफ डैश अल्फा मतलब यहाँ पे भी साइन थीटा उसको अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो साइन अल्फा बाई ए। अब क्या कर लो, अल्फा का वैल्यू रख दो, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2nπ प्लस माइनस पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 1/a को अलग ही कर लो। ठीक है, और क्या, 2nπ प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं, तो n का वैल्यू 0 लोगे तो क्या बनेगा, साइन प्लस माइनस पाई बाय 3, साइन प्लस माइनस पाई बाय 3। अगर हम बात करें साइन पाई बाय 3 के बारे में, तो ये कितना होता है, रूट 3/2, और अगर हम बात करें साइन माइनस ऑफ पाई बाय 3 के बारे में, तो ये कितना होता है, माइनस का रूट 3/2। साइन क्या होता है, साइन के टर्म में अगर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा के बराबर है, अगर कहीं पे साइन माइनस का थीटा है तो वो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। ये रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको मालूम है होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे साइन जब माइनस पाई बाय 3 लिया तो माइनस बाहर होकर रूट 3/2 दिया, कहीं का मतलब जब साइन की बात करेंगे करी जाएगी तो वहाँ पे हमको दोनों तरह के टर्म मिलेंगे। जैसे देखो कॉस के बारे में बात किया, तो कॉस प्लस पाई बाय 3 पे या माइनस पाई बाय 3 पे, दोनों पे 1/2 दे रहा था, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइन 2nπ प्लस, इससे भी इस तरह की बात करते हैं, साइन प्लस माइनस पाई बाय 3, तो ये दोनों तरह की वैल्यू देगा, प्लस माइनस रूट 3/2 दोनों वैल्यू देगा, इसमें पॉजिटिव भी देगा निगेटिव भी देगा। ठीक है, और ये 2nπ क्यों ऐड किया, क्योंकि साइन का पीरियड होता है 2n। ठीक है, चल 2nπ होता है साइन का पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेंगे, 1/a तो बाहर ही रहेगा,
प्लस माइनस और रूट थ्री बाई टू। चल अब क्या करते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं, मतलब वन अपान एफ डैश अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होगा 2a और क्या बाय रूट थ्री नीचे जाएगा, प्लस माइनस का साइन तो रह जाएगी। ठीक है, अब बस लास्ट स्टेप है, हमको सॉल्व करना है r साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन अपान एफ डैश अल्फा के लिए। इसको सॉल्व कर दो, जो भी वेरिएंट निकलेगा वही क्या होगा, हमारे पास कर्व का असिम्प्टोट होगा, ये जो वन बाई आर इक्वल टू एफ थीटा दिया है, इस कर्व का क्या होगा, असिम्प्टोट होगा। ठीक है, तो इतना नोट करो, डॉक्टर इधर साइड के अंदर रफ करना। ठीक है, हो गया। तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह पे क्या था, टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री था इज इक्वल टू वन अपान एफ डैश अल्फा, उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, प्लस माइनस टू ए बाई रूट थ्री। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन में उसको भी याद आया ना, तो आर साइन थीटा कॉस टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, फिर क्या माइनस कॉस थीटा साइन टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, इस किसके बराबर है, सभी प्लस माइनस टू ए बाई रूट थ्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ये क्या देगा, पाई बाई थ्री के देगा। ठीक है, कॉस माइनस वाले पोर्शन पे भी और प्लस वाले पोर्शन पे दोनों में क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, सिंपली ये कॉस पाई बाई थ्री के बराबर मिला, यहाँ साइन का चिंता नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे हमने देखा था कि साइन अगर पाई बाई थ्री है तो पाई बाई थ्री के सॉरी साइन पाई बाई थ्री है तो रूट थ्री बाई टू देता है, अगर साइन माइनस पाई बाई थ्री आ गया तो माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा साइन पाई बाई थ्री, लेकिन प्लस माइनस का साइन दोनों मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस में ओपन हुआ और ये क्या प्लस माइनस दोनों के साथ ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमको दो अलग अलग इक्वेशन मिले, जब हम क्या करते हैं एक बार इसको लेंगे और एक पॉजिटिव टर्म को लेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे एक नेगेटिव टर्म को लेंगे, तो हमको दो अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उन्हीं दो इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहला इक्वेशन बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं इसका पॉजिटिव पोर्शन, ये तो पॉजिटिव है उसी को उठाते हैं और इसका नेगेटिव पोर्शन उठाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, आर साइन थीटा कॉस पाई बाई थ्री माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू, इसका पॉजिटिव साइन उठाते हैं। ठीक है, मतलब क्या टू ए बाई रूट थ्री को उठाते हैं, और क्या मिलेगा एक दूसरा इक्वेशन, जब हम क्या करेंगे आर साइन थीटा कॉस पाई बाई थ्री यहाँ से और यहाँ का पॉजिटिव वैल्यू, मतलब क्या कॉस थीटा साइन पाई बाई थ्री को लेंगे, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे प्लस वाला साइन यूज कर लिया तो माइनस वाला बचा हुआ, तो माइनस का टू ए बाई रूट थ्री के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यार आर को अगर कॉमन करके बाहर कर, आर ये जो आर है ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, चलो उसको अलग ही रख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आर तो आर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो आर को बाहर ही कर लो। चलो आर को बाहर ही रख लो। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा को बोल दो ए, थीटा को क्या बोल दो एक सेकंड के लिए ए बोल दो, और पाई बाई थ्री को क्या बोल दो बी बोल दो। ठीक है, तो देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आर साइन साइन थीटा माइनस पाई बाई थ्री, ये कितने के बराबर है, टू ए बाई रूट थ्री के बराबर है। ठीक है, टू ए बाई रूट थ्री के बराबर है, और फिर यहाँ से देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आर साइन थीटा प्लस पाई बाई थ्री कितने के बराबर, माइनस का टू ए बाई रूट थ्री के बराबर। तो ये दोनों क्या मिल गए हमको, अपने इस कर्व के असिम्प्टोट मिल गए। ठीक है, नोट करो।